बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं LLB 5 ईयर पार्ट 2 के इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो भी है लीगल सिस्टम पर ही, और इसमें हम लीगल सिस्टम के बारे में जानेंगे कि लीगल सिस्टम क्या होता है और जो मेजर लीगल सिस्टम वर्क कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो सादा लफ्ज़ों में अगर हम इसके तारुफ की बात करें कि लीगल सिस्टम क्या होता है, तो लीगल सिस्टम बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है या प्रोसेस होता है, ऐसा ये एक सिस्टम होता है जिसमें लॉ को एक्सप्लेन किया जाता है और लॉ को इन्फोर्स किया जाता है। इसमें लॉ को इन्फोर्स और एक्सप्लेन करने के लिए तमाम तर मैनेजमेंट की जाती है, तमाम तर जो अमूर होते हैं वो सर अंजाम दिए जाते हैं, तो इसे हम लीगल सिस्टम कहते हैं जो लीगल वर्क के साथ डील करता है। अगर इसके हम प्रॉपर तारुफ पर आएँ तो द लीगल सिस्टम इज़ अ बॉडी whose responsibility is to make legal rules and amend or repeal them according to need of time। ये कैसा सिस्टम है, ऐसी बॉडी है जिसकी ज़िम्मेदारी है कि लीगल रूल्स बनाना, ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाना जो लीगल हों और जिन्हें लॉ का दर्जा देना हो, और उन्हें अमेंड करना और किसी को जो कारआमद ना हो उसे रिपेल करना अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ टाइम, वक्त की नज़ाकत और वक्त की ज़रूरत को देखते हुए, तो इसे हम लीगल सिस्टम कहते हैं। आगे देयर आर मैनी लीगल सिस्टम आर वर्किंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत से जो लीगल सिस्टम है वो वर्क कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ हैव अ ग्रेट इम्पोर्टेंस एट ग्लोबल लेवल। इसमें जो इंटरनेशनल लॉ है जिसमें इंटरनेशनल तौर पर तमाम ऑलमोस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो इस लॉ को फॉलो करते हैं और इस लॉ के मुताबिक आपस में जो डीलिंग होती है वो करते हैं, तो ग्लोबल लेवल पर जो इंटरनेशनल लॉ है इसकी बड़ी अहमियत है। आगे इसकी डेफिनेशन की हम बात करेंगे। लीगल सिस्टम इज़ आ प्रोसीजर और प्रोसेस फॉर एक्सप्लेनिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉ। जिस तरह पहले बता चुके हैं कि लीगल सिस्टम क्या, ये एक प्रोसीजर है या प्रोसेस है जो कि लॉ को एक्सप्लेन और इन्फोर्स करने के लिए होता है। आगे अब बात करेंगे जो मेजर लीगल सिस्टम है उनकी। मेजर लीगल सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे पास लीगल सिस्टम जो मेजर है वो है चार, और आगे पांचवा है जहाँ पर मिक्स्ड हो। सबसे पहला है सिविल लीगल सिस्टम, सिविल लॉ जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉमन लॉ, कस्टमरी लॉ, रिलीजियस लॉ, और फाइव है मिक्स्ड लीगल सिस्टम। तो सबसे पहले हम सिविल लॉ पर आएंगे कि ये क्या है, कौन सा लीगल सिस्टम है, किस चीज़ से डील करता है। अ बॉडी ऑफ रूल्स दैट डिफाइन एंड प्रोटेक्ट द प्राइवेट राइट ऑफ सिटीज़न। ये ऐसी रूल्स की बॉडी है जो प्राइवेट राइट को डिफ़ाइन करती है और उन्हें प्रोटेक्ट करती है, जो पर्सनल लाइफ होती है एक पर्सन की, जो पर्सनल प्रोटेक्ट प्राइवेट जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ अ बॉडी ऑफ लॉ दैट गवर्न ऑर्डनरी प्राइवेट मैटर और सिविल राइट, जो सिविल राइट्स होते हैं उनके साथ ये डील करती है। और ये जो सिविल लॉ है इसका जो ओरिजिन है वो एंशियंट जो रोमन कदीम रोमन लीगल सिस्टम था उसमें है। सिविल लॉ सिस्टम हैव देयर ओरिजिन इन एंशियंट रोमन लीगल ट्रेडिशन। इट इज़ ड्राइव फ्राम लॉ ऑफ एंशियंट रोम, जो कदीम रोम लॉ थे रोमन के, उनसे ये ड्राइव किया गया है सिविल लॉ। और
जो सिविल लॉ है इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आगे इसकी इंटरप्रिटेशन वजाहत है ऑफ टर्म सिविल लॉ की। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ इसकी वजाहत की गई है, द लॉ ऑफ पर्टिकुलर स्टेट नाउ यूजली कॉल्ड म्यूनसिपल लॉ। एक पर्टिकुलर स्टेट का जो लॉ है जिसे अब हम म्यूनसिपल लॉ भी कहते हैं, ये इसकी वजाहत है। आगे सेकेंड डेफिनेशन के तौर पर है, सिविल लॉ इज़ आल्सो नोन एज प्राइवेट लॉ, इट रेगुलेट डिस्प्यूट्स बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल और एंटिटीज़। तो ये इसकी डेफिनेशन में आता है सिविल लॉ के। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉमन लीगल सिस्टम, जिसे हम कॉमन लॉज के तौर पर जानते हैं। कॉमन लॉ क्या है? द लॉ डिवेलप बाय द कोर्ट डिसीजन रेदर देन थ्रू द लेजिस्लेशन स्टैट्यूज। इसमें कहते हैं कि वो लॉ जो कोर्ट के डिसीजन के बाद हासिल होता है, कोर्ट के डिसीजन से हासिल होता है, जिन्हें हम केस लॉ भी बोलते हैं, ये लेजिस्लेशन अमल से ये लीगल सिस्टम नहीं बनता। इसमें जो ओल्ड डिसीजन होती हैं, जजेस के जो फैसले होते हैं, उनको लॉ के तौर पर जाना जाता है। कोई ऐसी जब आता है वक्त जहाँ पर लॉ मुकम्मल तौर पर उस मसले को हल नहीं कर रहा होता, तो अकॉर्डिंग टू अपनी थॉट जो जजेज हैं वो इंसाफ के तकाजे को देखते हुए फिर डिसीजन लेते हैं और फैसला देते हैं। उस फैसले को फिर लॉ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर फिर कोई ऐसी रीज़न सामने आए, कोई ऐसी वजह सामने आए, तो उस जो डिसीजन होता है जज का, प्रीवियस डिसीजन, उसको लॉ के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उस मसले को हल किया जाता है, तो उसे हम कॉमन लॉ कहते हैं। और ये बेसिकली अनरिटन होता है। जजेस सर्व्स एज द लीगल प्रेसिडेंट, इसमें जो जजेस होते हैं वो सर्व करते हैं इन कॉमन लॉ सिस्टम। इन कॉमन लॉ सिस्टम इज़ ड्राइव फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ एंड इज़ फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, पार्ट सच एज ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा और इंग्लैंड। तो ये था कॉमन लॉ। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम देखेंगे कस्टमरी लॉ को, कस्टमरी लीगल सिस्टम जिसे हम कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। कस्टम मीन्स, इसके पहले तारुफ पर हम जा रहे हैं, कस्टम मीन्स बिल्ट अप लाइफ स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट और एरिया और कन्वेंशन। इसमें कहता है कोई लाइफ स्टाइल जो एक बंदे का बन जाता है, बिल्ट हो जाता है किसी स्पेसिफिक एरिया में, एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल विच आर नॉट रिकॉर्डेड विच हैज़ डिवेलप्ड विद द असेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन दैट एरिया एंड विद द प्रोग्रेसिव ऑफ द टाइम टर्न टू पीस ऑफ वे ऑफ लाइफ। कोई ऐसा जो कहता है हिस्ट्री हो जो विदाउट विदाउट रिकॉर्ड हो, तो इसे हम इंडिविजुअल इन दैट एरिया एंड विद प्रोग्रेसिव ऑफ द टाइम टर्न इन टू पीस ऑफ वे ऑफ लाइफ। वक्त गुजरने के साथ साथ वो ज़िंदगी का जो वे ऑफ लाइफ है उसका एक हिस्सा बन जाए। इट इम्पैक्ट इज़ टू बी फाउंड इन न्यूमरस जोन ऑफ द लॉ इंक्लूडिंग कंट्रैक्ट टॉर्ट फैमिली लॉ। इन तीनों में इसके जो न्यूमरस पाए जाते हैं असरात। आगे वजाहत है, द वर्ड कस्टमरी मीन्स कस्टम ट्रेडिशन वे ऑफ लाइफ अ बिहेवियर विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल। तो ये थी इसकी वजाहत के कस्टमरी जो लॉ है उसका क्या मतलब है, द वर्ड जो कस्टमरी हम इस्तेमाल करते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन के बाद, अकॉर्डिंग टू सलमॉन्ट कस्टमरी लॉ मीन एनी रूल ऑफ एक्शन विच एक्चुअली ऑब्जर्व बाय मैन, जो एक मैन से ऑब्जर्व किया जाता है। रिलीजियस लीगल सिस्टम आ जाता है, मजहबी लीगल सिस्टम भी इसे हम कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे, इन मैनी कंट्रीज़ लीगल सिस्टम इज़ रिलीजियस। काफ़ी जो ममालिक हैं उनमें जो लीगल सिस्टम है वो रिलीजियस है। और ये जो रिलीजियस लीगल सिस्टम होता है ये बेसिकली बेस्ड होता है जो रिलीजियस अकायद होते हैं और रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उन पर, और ये ड्राइव भी किया जाता है जो रिलीजियस डॉक्यूमेंट होते हैं और टेक्स्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस्लामिक लीगल सिस्टम की बात करें, जिसे हम शरीयत लॉ भी कहते हैं, वो भी एक रिलीजियस लीगल सिस्टम में इंक्लूड होता है और बड़ा नुमाया रिलीजियस लीगल सिस्टम है, काफ़ी कंट्री में है।
तो उसमें जो कुरान पाक है वो एक रिलीजियस हमारा टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, और सुन्नत है वो एक रिलीजियस डॉक्यूमेंट है, उससे वो ड्राइव किया जाता है। इसी तरह कोई भी रिलीजियस लीगल सिस्टम है तो वो जो मजहबी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे ड्राइव किया जाता है, उस पर उसकी बेस होती है। और इसके साथ साथ इस्लामिक लीगल सिस्टम इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड लीगल सिस्टम। इस्लामिक लॉ सिस्टम कैन बी फाउंड इन मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड साउथ अफ्रीका। आगे कैनॉन लॉ है जो क्रिश्चियन में पाया जाता है। कैनॉन लॉ इज़ सम क्रिश्चियन ग्रुप इज़ आल्सो अ रिलीजियस लीगल सिस्टम। ये भी रिलीजियस, उनके इसमें जो लॉ हैं वो उनके मज़हब के हवाले से हैं, जो ईसाइत है उस हवाले से। आगे मिक्स्ड लीगल सिस्टम आ जाता है हमारे पास। व्हेन टू आर मोर देन टू लीगल सिस्टम वर्क टुगेदर देन इट इज़ नोन एज मिक्स्ड लीगल सिस्टम, तो उसे मिक्स्ड लीगल सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। आगे हम कंक्लूजन ऐड करेंगे। कंक्लूजन में स्टार से लेकर अब तक हमने जो पढ़ा है उसको शॉर्ट टच देते हुए एंड करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।